अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज औरंगाबाद में हूँ मैं एक न्यू सेटअप पर। और जैसे शौक का जो लेवल है आप लोग देख रहे हो औरंगाबाद का, बहुत ही डिफरेंट लेवल पर जा रहा है। और हर वैरायटी के, हर ब्रीड के आप लोगों को बकरे हम अक्सर दिखा रहे हैं। आज एक ऐसे सेटअप पर आए हम लोग जहाँ पर आप लोगों को एक प्रॉपर शौक दिखाएंगे हम लोग बकरों का। पहले यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत बकरे हैं। तो यहाँ के जो ओनर है, हम लोग उनसे बात करेंगे उनके काम के बारे में, और सीरीज आएगी, कुछ वीडियोस यहाँ के बनेंगे। बहुत ही लाजवाब बकरे हैं, तो वीडियो को आप पूरी देखिएगा। पर्सनली विजिट करना चाहते हो यहाँ पर आकर, तो मैं आप लोगों के साथ टाइमिंग वगैरह सारी चीज़ें शेयर करूँगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शरीफ भाई, आपके बारे में कुछ बताइए आप हमें। बकरों का शौक कब से करते हो, आपका नाम और कहाँ पर है हम औरंगाबाद में? औरंगाबाद में हम लोग है सोंगी एरिया में जी, सोंगी टोलना का पार करते हैं उसके फौरन बाद जी। शौक तो जानवरों का समझो बचपन से ही है, आप हर किसी को रहता है अपने में। बाकी ये जानवर जो है लगभग 1.5 साल से 2 साल से पल रहे अपने पास ही। 1.5 से 2 साल। जी, आपका नाम क्या बताया आपने? उबैद। उबैद जी उबैद भाई, 1.5 से 2 साल हो गए आपको, मतलब और ये एग्जैक्ट यही जानवर नहीं, जी कंटिन्यू दूसरे जानवर भी रह चुके हैं अपने पास। जी जी ये जानवर को आके कुछ को 6 महीना, कुछ को साल भर ऐसा हुआ है। ओके ओके। तो ये ख्याल आपके दिल में या दिमाग में कैसा आया था कि मैं बकरे पालूंगा? बिकॉज यू आर नॉट इन दिस प्रोफेशन। नहीं, प्रोफेशनल तरीके से बिल्कुल नहीं है ये सब, शौकिया तौर पे बकरे अभी थोड़ा काम की मसरूफियत के हिसाब से जो है कुछ रखेंगे, कुछ सेल आउट कर देंगे, ऐसी बात है। ओके ओके। सो टुडे वी आर शूटिंग दिस गोट, द रीजन बिहाइंड इज दैट यू वांट टू सेल इट। यस, अ फ्यू ऑफ देम वी विल सेल, अ फ्यू ऑफ देम आई वांट टू कीप फॉर माय पर्सनल पर्पसेस, बाकी तो देखेंगे जैसा रेट आएगा इंशाल्लाह। ओके, सो ये गुजरी नस्ल के बकरे हैं एंड आई थिंक दिस इज अजमेरा ना? ये right? अजमेरा है जी। ओके, तो पहले ये जो भाई साहब ने पकड़ा है जी, इनका नाम अमान भाई। अमान भाई, ये जो जानवर है जी, ये जानवर प्रिपेयर करने का मेन जो ऑनर जाता है अमान भाई को ही जाता है, इन्होंने ही इन जानवरों को प्रिपेयर किया समझो। एंड लुक एट दिस हाइट, कितनी हो गया हाइट इसकी? ये अल्हम्दुलिल्लाह 42 प्लस है भाई। 42 प्लस जी, माशाल्लाह। गुजरी नस्ल का फ्रेश 8 दांत है, फ्रेश 8 दांत किया हुआ है जी। एंड मुझे लगता है अभी तो बहुत जगह बाकी है इसमें। जगह बहुत है भाई इसमें, अभी ऑलरेडी 105 से 110 के बीच में है ये। 105 से 110 जी इसकी आप माशाल्लाह 105 और 110 पर एक्टिवनेस देख सकते हैं इसकी जी। लाइए लाइए दोस्तों, 100 केजी प्लस बकरा है और इसकी एक्टिवनेस देखिए आप लोग माशाल्लाह। उसकी वजह ये है ना शारिक भाई, कि जितने भी जानवर है इनको मतलब दिल से पाला गया है। ये बच्चा जो है अपना अमान जी, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं, कई बार जो चीज अपन नहीं बोलते वो भी करता है वो जानवरों को, तो वैसा नहीं है बिल्कुल भी के मतलब वो उसको खुद को बहुत ज्यादा शौक है जानवरों इन चीजों का, तभी बकरे इतने तैयार हुए माशाल्लाह। सो ये 42 हाइट जो है आपने नापी है? ना, नापी भी हाइट 42 प्लस ही है। ओके ओके। एंड 100 केजी अबाउट, 100 प्लस 105 से 110 के बीच में जानवर। तो ये बिक्री के लिए है जी? कितना एक्सपेक्ट किया आपने इसका प्राइस? भाई इसका पर्सनल भाई बताएंगे, इसका कॉल पे बताएंगे जी। कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करेंगे आपका? हाँ, कॉन्टेक्ट नंबर वीडियो में डाल देंगे ना अपन। आप अभी भी बोल देता हूँ जी, बोल दीजिए जी। 777-000-72537। और ये जो लोकेशन है, ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा। ओके, ये व्हाट्सएप है जी। केवल व्हाट्सएप के जरिए करना? हाँ, व्हाट्सएप के जरिए मतलब बात हो जाएगी, कोई मसला नहीं, आपको रिप्लाई आ जाएंगे जगह पर। लोकेशन है औरंगाबाद में, कहाँ बोले थे आपने? सोंगी एरिया, सावंगी एरिया, प्रॉपर लैंडमार्क लोकेशन यहाँ पर, सोंगी टोल नाके के पास। सोंगी टोल नाके के पास जी। ओके, तो ये फर्स्ट गुजरी बकरा था, आप इसको कहीं पर बांध दीजिए। सो ये सेकेंड गुजरी है जी। उबैद भाई, इसके बारे में कुछ बताइए हमें। ये भी 40 प्लस हाइट है भाई, वेट में 75 प्लस है। 75 प्लस वेट जी। 6 दांत, 6 दांत जी। बकरी कब से पाल रखा है आपने ये सारे, आपके पास कब से है? ये बकरे को आके मेरे पास 6 महीना हो गया। 6 महीना हो गया जी। सो ये भी सेलिंग पर्पस जी? ये भी सेलिंग के लिए।
इसका प्राइस शेयर करेंगे आप? जी, इसका प्राइस अपन 55,000 मांग रहे हैं। 55,000 इज द आस्किंग प्राइस। यस, और नेगोशिएबल प्राइस रहेगा स्लाइटली भाई। बहुत खूबसूरत कलर पैटर्न है माशाल्लाह इसका। जी, मैं इसका कलर पैटर्न जो है ना उसका जी, उसकी वजह से लिया भी था। जी जी जी, बाकी दौड़ने भागने में हर चीज में बहुत दौड़ा है उसने। जी, अमान भाई कंटिन्यूअसली उसके पीछे है। जी, so 55,000 is the asking price for this one. Yes. 6 दांत फ्रेश ना? जी। 40, 41 height? जी, 40 plus है। Okay, okay. चलेगा। जी। So next यहाँ पर इसको दिखाते हैं हम। जी, अजमेरा। अजमेरा। जी। ये अंडू है खस्सी है? ये late punch है भाई। बहुत ज़्यादा aggressive था। हाँ। तो उस वजह से उसको punch किया गया। Okay, okay. बाकी ये तीनों हो मतलब confirm खस्सी मानेंगे। जी। और ये भी हो गया है, इसको पंच करके भी 6 महीना हो गया। अमन भाई आप पीछे से आ जाइए उसके, वो तरफ से आ जाओ। ये 42 प्लस है हाइट में। 42 प्लस, छोड़ दे अमन उसको। 8 दांत फ्रेश लगाए। 8 दांत फ्रेश है जी। और वेट में 90 प्लस है। 90 प्लस जी। और ये तो देखिए जो न्यू फार्मर्स होते हैं ये तो थोड़े एक किस्म के कहूंगा अनप्रोफेशनल होते हैं, जैसे खिलाई पिलाई में। जी, नॉट टॉकिंग अबाउट द बजट, क्योंकि हमारा बजट तो हम देखते नहीं है। नहीं भाई, बजट को तो इन जानवरों के लिए देखा ही नहीं गया। हाँ, देखा नहीं आता। बट जो प्रोफेशनल फार्मर्स होते हैं इनको पता होता है वेट अगर नीचे गया तो हम उसको ऊपर कैसे लाएंगे, और जो लॉकेज होती है बकरों की इसके आगे बकरे कैसे लेके जाएंगे। लेकिन फिर भी जो अमन भाई ने इन पर मेहनत किया है जी, वो बकरों में झलक रहा है जी। सो ये एक नॉर्मल फीडिंग पे कितना केजी बैठेगा आपके अंदर से जो अभी है एट प्रेजेंट? भाई ये नॉर्मल फीडिंग मतलब मेरे पास जो फीड है वो नॉर्मल ही है, ऐसा नहीं कि कोई एक बकरा भी भराई का है या ऐसा कुछ, बिल्कुल भी नहीं है। फोर्स फीडिंग का सवाल ही नहीं है बिल्कुल भी अपने पास, जितना जानवर खुद खाता है। यहाँ तक कि हम लोग लिवर टॉनिक्स भी लिमिटेड रखते हैं कि जबरदस्ती भूख बढ़ा के वो करना वो भी मतलब मैं सजेस्ट नहीं करता ज्यादा। तो मैं जस्ट वही कहा आपसे, जो हम बस शौकिया तौर पर कोई प्रोफेशनल नहीं है कि हम इसको 120 ले जाएंगे, 100 ले जाएंगे, नहीं वैसा टारगेट ही नहीं है भाई। बाकी गुंजाइश तो इन सारे बकरों में बहुत है। वही कहा मैंने, जस्ट अगर कोई प्रोफेशनल फार्मर ये लेके जाएगा बकरे इंशाल्लाह, तो इनका नेक्स्ट ईयर पे तो कुछ हुलिया ही और रहेगा, बिल्कुल अलग रहेगा। क्योंकि ये जानवर जो है ये पलटी के लायक डेफिनेटली है। इन द सेंस मेरा मैसेज वही जाना था कि वे अगले साल के पलटी के काम के बकरे हैं जी, और ये साल भी माशाल्लाह इनकी तैयारी बहुत प्यारी है जी। अब ये पंच करके भी 6 महीने हो गए, इसका एग्रेसिवनेस देखिए। बहुत एग्रेसिव है, 6 महीने हो गए इसको पंच करके। जी, ओके, तो इसका कितना डिमांड है भाई? इसके जो है मैं 70,000 मांग रहा हूँ। 70,000 जी। ओके, नेगोशिएबल है ये प्राइस? ये इसमें नेगोशिएबल नहीं रहेगा भाई, क्योंकि इसकी कॉस्टिंग ऑलरेडी ज्यादा थी थोड़ी। जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, थोड़ा और वेट लेना वो करना, वो एग्रेशन की वजह से नहीं लिया उसने। ओके ओके ओके, तो व्हिच इज ओके विद मी। बट हम लोग चाहते हैं कि मेहनत किए तो बकरों में दिखे वो। जी जी, ओके। सो दिस इज थर्ड वन, उसके बाद जो गुजरी है जी वो दिखाते हैं हम लोग जी। सो कमिंग टू द फोर्थ गोट, गुजरी नस्ल का बकरा है ये उबैद भाई जी। इसके बारे में थोड़ा बताइए हमें भाई। ये बकरा भी 42 हाइट है। 42 हाइट जी। अब भी 6 दांत किया है समझो इसने, जस्ट 6 दांत जी। जैसे ऑलरेडी थोड़ा अमन भाई उधर लीजिए, थोड़ा सा पीछे लीजिए। हाँ हाँ, ओके ओके जी। जस्ट नाउ मैंने अभी जैसा बोला आपको, नेक्स्ट ईयर अगर ये बकरे जाएंगे ना इंशाल्लाह भाई, ये उम्मीद है इंशाल्लाह 125 तो आराम से क्रॉस करेगा। करेगा इंशाल्लाह। अभी कितना होगा आपके अंदाज से? ये अभी 80 के आसपास है। 80 के आसपास है जी। तोला है अपने बकरे आपके कि नहीं? ये मैं लगभग महीना भर पहले तुले भी बता रहा हूँ। अभी तो और प्लस ही होंगे इंशाल्लाह। ओके ओके ओके, बहुत प्यारे लगे मुझे ये बकरा, और ये जो बकरा है इनका जो पैटर्न है, कलर पैटर्न जो इसमें शाइनिंग है। अरे उसको छोड़ो मत, वो आएगा नहीं हाथ में जी। शाइनिंग बहुत प्यारी है माशाल्लाह उसमें, और खेल ऐसा रहा है 2 दांत के बच्चे की तरह जी। भाई ये जानवरों का मैं बोल रहा हूँ ना आपको, जो पलाई जो तरीके की है ना, बिल्कुल भी इनको चंचल रखा जाता है खास। वो ज्यादा हेवी फीड वो करके वो देखिए उसमें एक्टिवनेस जी, माशाल्लाह। 6 दांत फ्रेश जी। इसका सीना देखिए, पेटी देखिए जी जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया बकरा है माशाल्लाह जी।
इतना दौड़ने के बाद भी हाँपना नहीं है, कुछ नहीं है इसको, बिल्कुल हाँपना नहीं है उसमें जी। अब वो अमान को पकड़ने में इसको तकलीफ लगे। मैं बोला था अमान आपको छोड़ो मत, देखिए कितना भाग रहा है वो आपको। अमान भाग मत, अमान खुद आएगा वो। ओके सो हाउ मच वी आर आस्किंग फॉर दिस वन? भाई इसका पर्सनल पे बताऊंगा। अच्छा, उसका पर्सनल पे रहेगा क्यों, तो ये थोड़ा अलग क्वालिटी के हैं जानवर। ओके ओके, और ये पलटी वालों के लिए ज्यादा चलेगा। चलेगा जी। बड़े शानदार बकरे हैं माशाल्लाह अबिद भाई आपके जी। अभी वो बकरा तो हाथ में नहीं आ रहा है जी। सो ये बाहर आप ट्रांसपोर्ट करवा देंगे? जी जी, ट्रांसपोर्टेशन का इंशाल्लाह इश्यू नहीं रहेगा, बाकी जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है वो खरीदार। अच्छा, जो प्राइसेस बोले आपने वो खरीदार के रहेगा उसके आगे के जी। ओके चलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या रखा है? कुछ बकरियां भी है आपने? बकरियां भी पाली है कुछ? बकरियां भी है और कुछ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेवल के गुजरी अंडुल है। अंडुल भी है जी, चार दांत पे है, उसका भी शौक करवाएंगे इंशाल्लाह लोगों को इंशाल्लाह। तो वो भी बिक्री के लिए है? बिक्री के लिए वो तो नहीं है, बाकी देखते हैं इंशाल्लाह। उबेद भाई, वी मिस्ड आउट वन गुड। यस सो ये नस्ल कौन सी है? ये भाई लिए थे हम लोग ने गुजरी, बट वो गुजरी हैदराबादी क्रॉस है मेरे हिसाब से। अच्छा, गुजरी हैदराबादी क्रॉस है जी। और ये जो गोट सिलेक्शन था उबेद भाई, कैसा, मतलब आप पहले भी मतलब कभी जानवर देखते थे किसी के? जानवर तो डेफिनेटली देखते थे, दोस्तों के देखते थे, कुछ जानने वाले बकरे वाले हैं उनके देखते थे। बड़ा लाजवाब यानी गोट सिलेक्शन है आपका, इसका भी कलर पैटर्न साइज फ्रेम जी बड़ा लाजवाब है माशाल्लाह। तो दांत के बारे में बताइए, कितने दांत का बकरा? ये छह दांत है अभी। छह दांत है जी, छह फ्रेश है बिल्कुल। ओके ओके। और वेट में अप्रोक्स 70 केजी है, हाइट 36 है। 70 केजी, 36 इज द हाइट। यस। और हैदराबादी में मिक्स है, हैदराबादी क्रॉस है मेरे अंदाजे से। हाँ, क्योंकि कान की लेंथ थोड़ी ज्यादा है इसकी, ज्यादा नॉर्मल गुजरी के मुकाबले में, और हाइट कम है थोड़ी, हाइट कम, बाकी लेंथ इसकी वो चीज कवर कर देती है समझो। और पेटी काफी बड़ी, पेटी बहुत बड़ी है इसकी। इसको अभी आप छोड़ेंगे तो समझ में आएगा लचक, और इसमें जो अभी भी बचपना है, बहुत अच्छा बकरा है। छोड़िए अमान भाई, अमान छोड़ दे। माशाल्लाह उबेद भाई, जितने बकरे दिखाए माशाल्लाह आपके, सारे इतने फिट एक्टिव है जैसे दो दो दांत के बच्चे हो जी, माशाल्लाह। So, ये लास्ट बकरा था, और इसका डिमांड कितना रखा है आपने? भाई ये 50 में देना है मुझे। ये 50 में देना जी, है फाइनल? इसमें आगे पीछे हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें आगे पीछे कर देंगे जी। ठीक है, तो ये बकरा जो है इसमें खूबसूरती का जी, और ये बकरे लेने वाला जो है वो इसको समझेगा इसमें क्वालिटी क्या है। तो भले इसकी हाइट कम है, लेकिन ये आप आराम से पलाई पे रखिए, और ये जो नाटे बकरे होते हैं ना उनमें टॉप क्वालिटी में है। उसका साइज, बोन साइज, फ्रेम साइज काफी, पैर वायर बहुत मजबूत है इसके, माशाल्लाह। और खूबसूरत है, बड़ा खूबसूरत है जी। सो ये भी पंच बकरा है ना जी? देखिए लेंथ वाइज जो है, इतने छोटे बकरे, ये लेंथ देखिए आप, ये तो लेंथ इसकी अच्छी है, मतलब हाइट में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जी। जी, लेंथ बढ़िया है जी। छोड़ दे मत, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। चलेगा, थैंक यू सो मच। हम अगले वीडियोस में कुछ बकरियां और आंडू बकरे दिखाते हैं जी। चलिए, थैंक यू।